सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी ओपी सिंह के जनता से पुलिस की मधुर संबंध के आदेशों का संबंध में पुलिस एकदम उल्टा कर रही है। यहां पुलिस ने एक पेंटर को गलत काम करने के पर बंधक बनाकर 2 घंटे पीटा है। पीड़ित न्यायिक को फरियाद करते वक्त माध्यमिक शिक्षा मंत्री के सामने रो पड़ा। वहीं पुलिसिया गुंडई के एक और मामले के सामने आने के बाद इस बार क्राइम ब्रांच का खौफनाक चेहरा सामने आया है। गलत काम करने से मना करने पर पुलिस ने गुंडई के आरोप का पूरा मामला जिला मुख्यालय स्थित कस्बा बहजोई का है, जहां पर अनुसूचित जनजाति का अरविंद गिहार पेंटिंग और नंबर प्लेट बनवाने का काम करता है। आरोप है कि क्राइम ब्रांच का 2 कर्मचारी उनके पास आए और 1 से 9 तक 1 से Z तक के नंबर बनाकर देने को उनसे कहा। आरोप है कि वाहन की आरसी होने पर ही जब उनसे नंबर प्लेट बनाने की बात करते हुए इस तरह गलत तरीके से नंबर बनाने से मना कर दिया। तब क्राइम ब्रांच कर्मी ने फोन से सीनियर की बात की, फिर भी नंबर बनाकर देने को जब वह तैयार ना हुआ तो आरोपी और उसके साथी वहां पहुंच गए। आरोप है कि उसे पकड़कर अपने साथ अपने ऑफिस ले गए ताकि सूचक शब्द कहें और बेरहमी से पेंटर की पिटाई की। आपका? मेरा नाम अरविंद है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये घटना हुई कि मेरी दुर्गाट के नाम से शॉप है, मैं पेंटर भी हूँ और मैं मशीन से नंबर प्लेट भी बनाता हूँ। तो नंबर प्लेट बनाता हूँ, वहाँ से 2 व्यक्ति आए मेरी दुकान के पास में, कहने लगे कि मुझे 10 तक गिनती और ABCD के अक्षर काट दो। तो मैंने कहा साहब मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ, क्या आप मुझे आरसी लाएं तो ही ये काम करूँगा। बोलने लगे नहीं तो ये करना पड़ेगा, ये मैंने नहीं करूँगा साहब। तो उसने जब फिर खोल दिया कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, मैंने आप कोई से ब्रांच से सही, मैं बिगर आरसी के नंबर नहीं डालूंगा। तो उनने साहब बड़े अधिकारी से बात करी, मुझे धोखे में वहाँ से बुला के ले गए। ले आने के बाद में मुझे मारपीट की उसने और अब सब जो बोले वो ढाके मुझे बंद कर दिया। फिर छूटे कैसे आप? 2 घंटे मैं बताऊँ, रियल में बात बताऊँ आपको, सही बात क्या है, मैं वहाँ पे खांचने लगा, मैंने वहाँ पे बहाने किए कि मुझे टीवी की बीमारी है, आपको सीधी सी बात बताऊँ। तो उन लोगों ने मुझे कहने लगे अरे इसे लिखा रो, जब छोड़ा। अच्छा, आप किसके पास आए हैं? आप न्याय की बात लगाने? तो मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला आपको? मंत्री जी से आश्वासन मिला, मंत्री जी कह रही कि बेटे तेरे को न्याय मिलेगा, इस तरीके से तुमको मारपीट करिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उन लोगों को उसका भुगतना पड़ेगा। पूर्व में जानता हूँ और मैं ईमानदार भी है और सही तरीके से काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अभी इसने बताया कि कोई कर्मचारी पुलिस का इस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से आया और उससे कहा कि आप 1 से लेकर 10 तक नंबर 9 तक नंबर बना दीजिए, और वो कर दी। इसने उस चीज़ को मना करा और मना करने के बाद में जब इसने दबाव बनाने के लिए उस अधिकारी से किसे बात कराई थी, इसने फिर भी उस चीज़ को टाला कि मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। पर जब उसकी इसको गुमराह करते हुए इसको क्राइम ब्रांच चले गए तो वहाँ पर अवस्था की है, मारपीट की है, क्योंकि यह दलित है और गरीब परिवार का व्यक्ति है, इसमें कंजड़ जाति का है, गिहार बस्ती का है, और इसने भी अपनी घटनाक्रम से अवगत कराया है। पीड़ित युवक का जो आरोप है काफ़ी गंभीर है। आप यहाँ के क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, जैसा कि आपकी सरकार मतलब तरीके से बिल्कुल जनता की रक्षा की बात करती है, लेकिन यह मामला उल्टा ही आ रहा है, इसको लेकर के क्या आपने अपने शासन को या मुख्यमंत्री वापस कराएंगे? सर अभी माननीय SP साहब आ रहे हैं, उनसे पूरा घटनाक्रम को अवगत कराया जाएगा और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम सब लोग अभी वार्ता करेंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराने का दबाव बनाएंगे। ये पीड़ित आपके यहाँ आया है, क्या मामला है? ये दहजी का रहने वाला है, हमारे पूर्व चेयरमैन राजू जी खड़े हैं और भी बिलारी को वहाँ के दहजी के काफ़ी लोग खड़े हैं। उन्होंने ये बताया है, ये अरविंद गिहान नाम है, ये अनुसूचित जाति कंजड़ है, ये नेम प्लेट बनाने का काम करते हैं। ये बता रहे थे कि कोई व्यक्ति सिविल कपड़ों में आया और उन्होंने उनसे कहा था कि हमें खुले हुए नंबर दे दो, अंकों में भी दे दो और शब्दों में भी दे दो। उन्होंने कहा जब तक गाड़ी की हम आरसी नहीं देख लेते हैं तब तक हम ऐसे नेम प्लेट बनाते नहीं हैं, खुले नंबर देने का तो प्रश्न नहीं उठता। इस पर वो लोग उत्तेजित हो गए, उन्होंने किसी व्यक्ति से बात की और इनको ले गए क्राइम थाने में, क्राइम ऑफिस में ले गए, क्यों क्राइम ब्रांच में ले गए और वहाँ इनके साथ में बहुत मारपीट की, 2-3 घंटे इनको बंद रखा। जब बाद में ये बहुत गड़गड़ाया तो इसको भगा दिया। इनके साथ मारपीट भी हुई है? मारपीट भी, मुझे थप्पड़ से मारे, मुझे उतार की गाड़ी पे थप्पड़ मारे। अब इनको बहुत डर है कि ऐसा ना हो कि मेरे छोटे के बच्चे
और उनके साथ में या मेरे परिवार के साथ में तो वो किया जाए। उन्होंने कहा था कि उनसे नाजायज़ इससे अपनी सुरक्षा का डर है, अपनी सुरक्षा के। मंत्री जी, अभी कुछ दिन पूर्व कुल फतेहगढ़ थाने से भी ऐसा एक मामला सामने आया था जहाँ पीड़ित को पुलिस ने मारा था, तो ये पुलिस जो संभल जनपद की निरंकुश होती जा रही है, इस पर कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? कप्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, दोनों सिपाहियों के खिलाफ। अच्छा, सस्पेंड होते हैं। और आज भी मैं अभी कप्तान से बात करूंगी कि इस प्रकार से अगर सिपाही निरंकुश होंगे तो इस प्रकार के असहाय और गरीब लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, उनको न्याय कौन देगा? जब पुलिस ही अवैध रूप से इनके ऊपर दबाव डालेगी कोई काम कराने के लिए, तो कानून की सुरक्षा कौन करेगा? ये मामला गंभीर है और सत्ता साथ कह कर मैं इसमें कार्रवाई कराऊंगी जिससे उनके लिए और आगे भविष्य में किसी भी असहाय और गरीब व्यक्ति के साथ वैसा न करें।